जय शाह आपका बहुत शुक्रिया कि आपने 3 मैचेस भी आपने लाहौर में रखवाए हैं। और पीसीबी और अब बीसीसीआई का अगर मुकाबला करें ना, कंपैरिजन करें, तो हम कहाँ हैं, वो कहाँ पे हैं? तो हमने पहले क्यों इतना शोर मचाया था, इंडिया आएगा हमारे मुल्क में तो जस्ट गेन अटेंशन ब्रो, टू जस्ट गेन अटेंशन, वी वांट अटेंशन। बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है, वो पाकिस्तान उसके आगे पीसीबी एक चींटी के मानंद है। उनका बजट जो है, उनका एक महीने का बजट पाकिस्तान के पीसीबी के सालाना बजट के बराबर है। उनके उनके एक प्लेयर की जो मंथली इनकम है ना, वो पाकिस्तान की पूरी टीम के बराबर है। अभी 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, दोबारा इन्होंने ऐसे करना, पैसे लेके बस जो इंडिया ने कहना है वो काट लेना। जबकि इंडिया जो है, आपको पता होगा कि कबड्डी की टीम है वो पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान के खेलती है, जो टेनिस की टीम है वो भी पाकिस्तान आके खेलती है। इस तरह करके जो बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, इंडिया के लोग आते हैं पाकिस्तान खेलने, लेकिन फिर पता नहीं क्या मसला है कि क्रिकेट को इन्होंने नज़र लगानी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड ने जय शाह इंडिया की अब बात मान ली है कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बाकी मैच न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, इंडिया भी पाकिस्तान नहीं खेलने आ रहा, क्या कहेंगे आप? ये बात हम पहले क्यों ना मान लेते? पहले हमें कुछ लगा थी इंसान, फिर 3 मैच कराने का ये भी एहसान हम पे ना करें, ये भी ना करवाए ना, सारे एशिया को बाहर ले जाए। 3 कप का, 3 मैच करा के एहसान नहीं कर रहे हम पे। हम जी हमने एशिया कप आधा पाकिस्तान, आधा एशिया कप पाकिस्तान के अंदर हुआ है, तो हम पे ये एहसान भी ना करते आप लोग अगर 3 मैच करा रहे हैं तो। भाई जान ये आप एहसान पे ना करें, दूसरे जगह उसकी जो उनके बीसीसीआई के, और बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है, वो पाकिस्तान उसके आगे पीसीबी एक चींटी के मानंद है। उनका बजट जो है, उनका एक महीने का बजट पाकिस्तान के पीसीबी के सालाना बजट के बराबर है। उनके उनके एक प्लेयर की जो मंथली इनकम है ना, वो पाकिस्तान की पूरी टीम के बराबर है। उनका फिर पाकिस्तान में करने की क्या ज़रूरत है? फिर हम सारे जो मैचेस है वो दुबई में कर लेते हैं, क्योंकि दुबई में इंटरनेशनल ऑडियंस भी मिल जाएगी आपको। पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है इतना अभी से चल रही है, पता नहीं कब से चल रही है, और आपको पता है इसी तरह, तो इसलिए जो ये कुछ व्यूअरशिप के जो पैसे हैं और जो इस तरह करके जो थोड़ा बहुत जहाँ से कमा सकते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को। क्या आप बीसीसीआई की एसीसी के इस फैसले से खुश हैं? आप हैप्पी हैं? नहीं, मैं तो नहीं खुश, मैं तो चाहूँगा कि मेरे मुल्क में लोग आएँ। अब जैसे कि देखें, अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक चीज़ है जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो है फॉरेनर्स आपके आप यहाँ पे नहीं आ रहे, तो हमें तो चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में मैचेस हों, हमारे पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, लेकिन इंडिया भी आए पाकिस्तान में। जबकि इंडिया जो है, आपको पता होगा कि कबड्डी की टीम है वो पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान के खेलती है, जो टेनिस की टीम है वो भी पाकिस्तान आके खेलती है। इस तरह करके जो बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, इंडिया के लोग आते हैं पाकिस्तान खेलने, लेकिन फिर पता नहीं क्या मसला है कि क्रिकेट को इन्हें नज़र लगानी होती है। हमारा बोर्ड अपनी बात क्यों नहीं मनवा पाया? क्या हमारा बोर्ड इतना कमज़ोर है? यार बात क्या मनवानी है, अभी देखो, अच्छा पहले मैच ऐसे करके आ गए हैं सामने, नहीं जाना जी, ना हमने इंडिया ना आया तो हमने भी नहीं जाना, ठीक है ना। अभी अभी वो क्या नाम है, 45 मिलियन की बात आई है ना, मैं जो कुत्ते जैसी जुबान ही मैं जो निकाल के बाहर 45 मिलियन देख मैं जो इंडिया के पीछे पीछे जैसे कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो एक बड़ा बोर्ड है, उसके बारे में माननी पड़ेगी। बिग 3 पीछे था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये तीनों थे, ठीक है, आईसीसी के अंदर थे, ठीक है, आईसीसी के अंदर अपनी अजारदारी कायम की। अभी देखे आईसीसी के अंदर सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, तो हमारी कैसे चलने देंगे पीसीबी चीज के उनके आगे? पीसीबी आपका पीएसएल स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। आईपीएल के अंदर कितनी है, अब देखें वुमेन आईपीएल हुआ, वहाँ वहाँ पे जो मेन जो उनकी जो वुमेन्स थी, उनकी जो बोली लगी है ना, मतलब उनके जो पैसे मिले उन्हें, वो बाबर आजम की जो पीएसएल के अंदर बोली लगी तो उससे ज़्यादा है। इसे ट्रोल किया जा रहा है, देखें जी हमारा पैसा नहीं है, हमारे खिलाड़ियों को पैसा नहीं दिया जाता। दूसरे का हमारी मैनेजमेंट जो है ना, वो बकवास है। और पीसीबी और बीसीसीआई का अगर मुकाबला करें ना, कंपैरिजन करें, तो हम कहाँ हैं, वो कहाँ पे हैं? तो हमने पहले क्यों इतना शोर मचाया था, इंडिया आएगा हमारे मुल्क में तो जस्ट गेन अटेंशन ब्रो, टू जस्ट गेन अटेंशन, वी वांट अटेंशन। क्या मैं लोगों को पता लग जाए, बस थोड़ी सी हुआ हो जाए, नजम सेठी साहब ने बड़ा कह दिया जनाब कि हम नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बस जब मामला रवा दफा हो गया तो अब कौन सा आवाम ने पूछना जी? 3 मैच कहने के बाद 3 मैच तो हमने करवा दिए थे, भाई 3 मैच कैसे आना पे ना करवाएं पे, जब मुसलत करें ना एशिया कप, ये रहने दें, हमारी ट्रैफिक ही बंद होनी, 3 दिन और कुछ नहीं होना, ये आप रहने दें, 3 दिन लाहौर में जब करवाने हैं आप रहने दें, आप श्रीलंका में करवा लें, आप अफगानिस्तान में जहाँ मर्जी करवाना करवा लें। तो हमारा बोर्ड क्यों नहीं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर पा रहा है? इंडिया को तो पाकिस्तान आना जरूरी है ना, मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही, हमारे खिलाड़ी ठीक नहीं हो रहे, उनके डोप टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, वो दवाइयाँ ले रहे हैं, हमारी जो खिलाड़ी हैं उनके आपने कोई ऐसे नहीं कि दाज को ऐसे नहीं बनाया हुआ कि जहाँ पे अपनी को अच्छी प्रैक्टिस कर सके, भाई पीसीबी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया जिसे हम सलाह सकें, पीएसएल के अलावा कोई ऐसा काम जो ऐसा फंडामेंटल उन्होंने बुनियादी ऐसा काम किया हो जो हमारी क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग बनाए। इंडिया ही पैसा फेंक रहा है, तो जो मर्जी फेंक रहे, हमने तो पैसों पर ही चलना है, सीधी बात है, कोई भी पैसा फेंके हमने चले जाने हैं। तो हमारा बोर्ड इंडिया की तरह इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, हम अपनी बात क्यों नहीं मनवा पाते हैं किसी से? वही पैसा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए पैसा नहीं है इसी वजह से। तो इंडिया क्यों कामयाब जा रहा है? पैसा है उनके पास, लोग बहुत अच्छे हैं,
अगर देखा जाए तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि छोड़ें यार, क्या आपने बॉर्डर में आपने मैचेस करने, मतलब प्लीज़ वेकअप। तो इस तरह तो चलता नहीं है, प्यार वाला खेल है, मोहब्बत से खेलें। अगर गुस्सा दिखाना है तो आप ग्राउंड में दिखाएं, और लड़ना है तो अपनी बॉलिंग अटैक से लड़ें, अपनी बैटिंग की। अच्छा चलो, मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ गया, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ। हमारा बोर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पीसीबी या फिर बीसीसीआई? अभी तो ऑफकोर्स बीसीसीआई स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आईसीसी की भी कमांड जो है ना वो बीसीसीआई के पास है, और आपको पता है कि फिर पीसीबी तो फिर कुछ भी नहीं रह गया हुआ। और जो आपको पता है कि जो एक महीने की जो सैलरी है वो हमारे सारे, एक बंदे की जो एक महीने की सैलरी है वो हमारे तकरीबन सारे प्लेयर्स की कलेक्टिव 2 महीने की सैलरी है। आपको पता है मतलब लेवल मैच नहीं करता। अच्छा। जय शाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने 3 मैचेस भी लाहौर में रखवाए हैं, आपने लाहौर में रखवाए हैं। अच्छा अभी देखो ना, दो महीने पहले क्या कह रहा था, नहीं जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी 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 पैसे देखे ना, अभी बीसीआई से, ठीक है ना, अभी देख अबू मान लिया, ठीक है ना, उनको अबू मान लिया, किसको? उनके इंडिया को भाई, बीसीसीआई को, ठीक है, अबू मान लिया, ठीक है ना भाई, जैसे अबू कहेंगे वैसे करेंगे, ठीक है ना अबू जी, ओके भाई। 3-4 मैच इधर करा रहे हैं, वो भी ना कराओ यार, आप वो भी थोड़े और पैसे ले लो यार, वो भी बाहर करा लो, एहसान कर रहे हो पाकिस्तान पे यार, अजीब यार, मतलब यार ये है ही बिकाओ यार, मतलब कि शुरू से ही, अभी नहीं, जब से पाकिस्तान क्रिकेट खेले हैं तब से बिकाऊ हैं। अभी 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, दोबारा इन्होंने ऐसे करना, पैसे ले के बस जो इंडिया ने कहना है वो कर लेना बस, यही। आपको क्या लगता है वो ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी? यार आप कैसी बात करते हो, अभी आपने नहीं देखा क्या हुआ, ठीक है ना, यार बीसीसीआई है ना जो, ठीक है ना, सीधी बात कहूँ, ठीक है ना, किसी को बुरा लगे भाई, ठीक है ना, गालियाँ दे देना, बेशक जो करना है ना कर लेना, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना भाई, बीसीसीआई बन गया प्यो सारे को, ठीक है ना, पाकिस्तान तो मतलब के सबसे जो पीसीबी है सबसे छोटा वाला बच्चा, ठीक है ना, ठीक है, अफगानिस्तान से भी छोटा है, ठीक है ना, बांग्लादेश से भी छोटा, सबसे छोटा बच्चा पीसीबी है, ठीक है ना, और वो पापा को आंखें दिखा रहा है, ठीक है ना, बस मैं यही कहूँगा। जय शाह का बहुत सारे हमारे एंकर पर्सन हैं स्पोर्ट्स के, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्या, हमारे मुल्क में 3 मैचेस करवा रहे हैं। सर शुक्रिया नहीं अदा करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, वो वहाँ से रोटी पानी इनकी वहाँ से चलती है, इंडिया से। मैं पहले ये बात अर्ज कर चुका हूँ, अब पैसे से मामला तय हो चुके हैं, जब मामला तय हो जाएगा फिर तू की तो मैं की। तो क्या हमारी टीम को वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना चाहिए? देखे हम नहीं जाएंगे तो क्या कर लेंगे, को फर्क पड़ेगा, किसी को फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है, उसकी माननी पड़ेगी, ये चाहे आसमान तबाह हो जाए भाईजान, चांद उधर से उधर रहेगा, सूरज मगरब से निकल आएगा, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जरूर जाएगा। इनके अंदर इतनी वो दहशत और वो नहीं है, गैरत नहीं है कि ये रुक जाएंगे नहीं जाएंगे जी, नहीं, इनको अगर ना ही गए तो भाईजान इनको खाना कहाँ से मिलना है, पीसीबी ने अपने ऊपर बैन लगवाना है, पीएफएफ फुटबॉल फेडरेशन तो पहले वो बैन लग चुका है, अब इन्होंने पीसीबी बैन करवानी है। अच्छा ये कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि अगर हम एशिया कप खेलने नहीं जाते तो 45 मिलियन का हमें नुकसान होता है, तो हम इतना नुकसान बियर नहीं कर सकते बिकॉज हमारी इकॉनमी पहले स्ट्रगल कर रही है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि भाईजान उन्होंने कहा चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, सबसे पहले हमारा मुल्क क्या ठीक हो जाए, फिर हम एशिया कप खेल, एशिया कप भी अपने मुल्क में करवा लेंगे।